वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं सर्जिकल ब्लेड्स के बारे में। नॉर्मली आप लोगों ने ब्लेड देखा होगा घरों में पापा और भाई लोग को सेविंग करते हुए, लेकिन इस ब्लेड का यूज कुछ अलग है। आपको ये देखने में ही बहुत खतरनाक सा और बहुत ही शार्प दिख रहा होगा। तो ये जो ब्लेड्स हैं वो मेनली कट लगाने के लिए, ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे प्रोसीडर्स होते हैं उसको परफॉर्म करने से पहले कट लगाया जाता है। तो ये कट लगाने के लिए, काटने के लिए इसको बीपी हैंडल में, यानी बार्ड पार्कर नाइफ हैंडल, बीपी के एच एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ब्लेड्स को सेट किया जाता है और इंसीजन लगाया जाता है, ठीक है। तो ये ब्लेड्स जो होते हैं वो अलग अलग बीपी हैंडल में सेट होते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर के बीपी हैंडल में मेनली आपका 8 से लेकर 17 नंबर के ब्लेड्स अटैच हो सकते हैं। 8 से 17 किसमें अटैच होंगे, तो 3 नंबर के बीपी हैंडल में। उसके बाद जो 18 से लेके, आपको यहाँ पे देखिए इमेज में दिख रहा होगा, 18 से लेके 36, ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। यानी 18 से लेके 36 तक जो भी आपके ब्लेड्स हैं वो 4 नंबर के बीपी हैंडल में अटैच हो सकते हैं। मोस्टली जो ब्लेड्स का यूज होता है वो कौन कौन सा होता है, 11 नंबर और आपका 15 नंबर, 21 नंबर और 23 नंबर। तो आपको सारे ब्लेड्स के बारे में दिमाग में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आप याद रखिए कि सबसे छोटा साइज का जो ब्लेड है वो 8 नंबर का आ सकता है और सबसे बड़ा जो है वो 36 यानी 36 नंबर का। मोस्टली जो है आपको 11 नंबर का जो यहाँ पे ब्लेड दिख रहा है उसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ड्रॉ करके अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 नंबर का ब्लेड ऊपर है, उसके बाद 15 नंबर का आप अच्छे से देख लीजिएगा, फिर 21 नंबर का ब्लेड और 23 नंबर का आपको अच्छे से देखना होगा और दिमाग में सेट करना होगा। अब हम लोग इस वीडियो में थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन यानी देख लेते हैं सामने, तो अच्छे से समझ जाएंगे। ये आपका इस तरीके का ब्लेड आता है, इसमें आपका नंबर जो है दिया रहता है, ठीक है। इसको हम लोग खोल के देखते हैं और समझते हैं। ये देखिए कितना शार्प है, बहुत ज़्यादा ही शार्प होता है इस तरीके का ये ब्लेड है, ठीक। ये हमारा कितना है, तो 11 नंबर का ब्लेड आपका, आप ये देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ही शार्प होता है और इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ये जो आपका है वो सेट होता है ये इस तरीके से बीपी हैंडल में, ठीक। तो ये आप देख लीजिए, ये हमारा 11 नंबर ब्लेड है, ये इस तरीके से पैकिंग में आता है सेफली एकदम। ये अभी स्टेराइल था, अभी अनस्टेराइल हो गया। अब हमारा आता है 15 नंबर का ब्लेड, वो भी इसी तरीके के पैकिंग में आता है, ये आपका आप देखिए ये 15 नंबर का ब्लेड है जो इस तरीके का दिखता है। इसका आप देख सकते हैं ये किनारा एज जो है कैसा है, तो ये आपका जो है इस तरीके का दिखेगा 15 नंबर का ब्लेड, और 11 नंबर का यहाँ से सीधे था, तो आप ये पहचान सकते हैं अगर स्पॉटिंग में आ गया तो। इसका डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है 23 नंबर का ब्लेड, देखिए ये देखने में कितना भयंकर है और इसका नंबर के अनुसार ये देखने में भी बहुत बड़ा होता है। ये इस तरीके का जो ब्लेड है वो आपका 23 नंबर का है। तो 11, 15, 23 आप अब तीनों को पहचान सकते हैं और उनके डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, इसके डायग्राम्स का नहीं, ये कैसा दिखता है ये बना के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका यूज यही है कि इंसीजन लगाने में इसका मेनली यूज करते हैं। ये बीपी हैंडल में फिक्स होता है, जो आपका 8 से लेकर 17 नंबर के ब्लेड होते हैं वो 3 नंबर बीपी हैंडल में अटैच हो जाएंगे और 4 नंबर के बीपी हैंडल में अटैच होने के लिए आपको 18 से लेकर 36 नंबर के ब्लेड्स को लाना पड़ेगा, ठीक है। यानी 18 से 36 किस में होंगे, तो 4 नंबर बीपी हैंडल में, और 3 नंबर बीपी हैंडल में 8 से 17 नंबर के ब्लेड अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए यही सेम है जो मैंने अभी आपको दिखा रखा है उस इमेज में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट